मोती झील से जाई के साई किल से ना से जिया पे लौटे काला नाग हो कैली हम कवन कसुरवा नजरिया से दूर कैल बलमो हरी 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 श्याम बिना ना भाई बदरिया कारी रे हरी बिरन भैया बिरन भैया आइले अनवैया वा सावन वा में ना जय बिनन दी बिरन भैया आइले अनवैया वा सावन वा में ना जय बिनन दी। और यहाँ पर बिरन भैया मतलब बड़े भाई, तो बड़े भाई लेने आता है और ये लड़की कहती है कि नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी को भेजो अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री के सावन आया अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। कजरी एक मार्मिक त्योहार है। इस त्योहार में महिलाएं विरह या श्रृंगार रस में अपनी भावनाओं को उजागर करती हैं, चाहे वो उनके प्रियतम से उनका वियोग हो या संयोग हो, वो कजरी के गीत के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रकट करती हैं। चाहे ननद भौजाई का गीत हो, अवधी ले लें, बनारसी ले लें, मिर्जापुरी ले लें, ये कजरी काफ़ी मशहूर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि कजरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, कजरी में किस तरह के गीत का प्रचलन है, कजरी कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। हमारे साथ मशहूर गायिका हैं श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी, इनसे हम बात करेंगे कजरी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और कजरी का गीत भी इनसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कजरी की विशेषता क्या है उसके बारे में बात करेंगे श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी। कहा जाता है कि कजरी सैकड़ों साल पहले मिर्ज़ापुर में जहांगीर खलीफा जी ने शुरुआत किया, और इसके अलावा जो बरसात के समय जो काला मेघ है और बादल काला बादल ये सब देख के और जो गीत रचा जाता था और उसको देख के अभी भी जो रीच गीत बनाए जाते रच जाते हैं उसी को कजरी कहते हैं। और कजरी की विशेष धुन होती है, उस धुन पे ही कजरी गाई जाती है। और कजला देवी जी की आराधना करके ही हम लोग कजरी गाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देवी देवी गीत है और इसको पचरा भी कहते हैं। और वो ये मान्यता है कि जो शीतला जी का गायन गाई जाती है, जैसे निबिया की डारी मैया झूले ली झूलन वा की झूली झूली ना, ये गाना है। ये रसे रसे पौवा धरो मोरे देवी गोड़े घूंघुरवा बाजे ना। तो इस देवी गीत से हम लोग शुरू करते हैं कजरी गायन। तो कजरी का जो आपने कहा कि कजरी का वर्ण विषय है श्रृंगार प्रेम और संयोग और वियोग, ये दोनों ही है जी। ये बनारस में मोती झील हो या कचौड़ी गली जी, इसके दो तीन गाने ऐसे हैं जो कि काफ़ी फेमस है, और जब किसी से कजरी सुनने का मन करता है तो सबसे पहले मोती झील से मेहंदी लाने का गीत हो या फिर कचौड़ी गली सुना हो जाए, इस तरह के जो गीत हैं, तो इनकी क्या खासियत, इनके पीछे कहानी क्या है? देखिए, पहले जो मोती झील था ना, तो मोती झील में मोती झील के आसपास बहुत मेहंदी के पेड़ था और ज़्यादातर महिलाएँ अर्जित करती थी अपने पति से कि जाके आप लोग उस समय तो मोटरसाइकिल भी नहीं था और उतना कार वार का भी उतना वो नहीं था, बस साइकिल से जाइए और जाके मेहंदी तोड़वा के ले आइए और घर में जो ननद जी है ननद जी से पिसवाइए और मेरा हमारे हाथ में लगवाना है। तो इसके पीछे यही कहानी थी कि बरसात आते ही, क्योंकि बरसात के समय ही बहुत सारे त्यौहार, नागपंचमी है उस समय भी मेहंदी लगती है, उसके बाद जो रक्षाबंधन है तो उसमें मेहंदी लगती है, उसके बाद कजरी है, कजरी में भी जैसे झूला झूलते हैं, कजरी मनाई जाती है तो उस समय भी मेहंदी लगती है। तो पूरा जो सावन के महीना है और सावन भादों के महीने में हाथ में मेहंदी लगती है, क्योंकि भाई
जब वर्ण विषय प्रेम है तो प्रेम का जो प्रतीक है वो मेहंदी है, जब शादी होती है तो मेहंदी लगती है ना, तो पैर रंगवाना है और हाथ में मेहंदी लगाना है, तो ये सब ये तो होता ही था। तो इसीलिए एक इसके पीछे एक कहानी है। और दूसरा जो है आप कचौड़ी गली सुन कैला बालम्बो जो है, ये गाना जो बहुत मशहूर गाना है, कजरी है वो, कजरी एक बारांगना थी गौहर जान जो कचौड़ी गली में रहते थे, और उनकी जो प्रेमी थे वो सिपाही थे, और जब अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उस समय उनको रंगून जाना था, मतलब म्यांमार जाना था, तो यहाँ से वो गए मिर्ज़ापुर गए, और मिर्ज़ापुर से वो जहाज़ से गए। तो एक गीत है वो कचौड़ी गली सुन कई लोग बोलूँ, वो गीत आपने सुना ही होगा है ना, मिर्ज़ापुर कैला गुल जार हो कचौड़ी गली सुन कैला बालम, ये गीत है बहुत मशहूर गीत है। और ये जो कजरी ये जो है मेहंदी वाला जो है, पिया मेहंदी लियादा छोटकी ननदी से पिसायदा, हमारे हाथ वाला गायदा काटा कील से जाई के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी लियादा मोती झील से जाई के साइकिल से ना जी। इस तरह के कई गीत हैं जो कि काफी मार्मिक हैं, लोगों को जोड़ते हैं एक दूसरे से। और पहले के ज़माने में महिलाएं जो हैं ग्रुप में इस गीत को गाती थीं, गुनगुनाती थीं, और जब कजरी आता है तो वो माहौल भी देखने को मिल जाता है। कजरी में शाम को जलेबा और दाना खाने का एक रिवाज है, परंपरा है, जो काफ़ी पुराना है, चला आ रहा है। इसके साथ साथ रतजग्गा होता है और अगले दिन जरई कान में लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी हम जानेंगे कि क्या लॉजिक है जरई कान में लगाने का, इसके पीछे क्या कहानी है। हाँ, जरई जो लगाते हैं ना वो नागपंचमी के दिन उसको जौ जो है उसको बोआ जाता है, और मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रख के, और कजरी जिस दिन होता है ना, तो कजरी के जब रात जग्गा हो जाता है तो जरई बढ़ जाता है, इतना जो हाँ पौधा बढ़ जाता है, तो वो जो है बड़े बूढ़े के भी कान में लगाया जाता है और सब लोग कान में लगाते। तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि मतलब सोच है कि जैसे छोटे से जैसे बीज से लेके अंकुरित होके और इतना बड़ा पेड़ हो, मतलब वो हो गया, उसी तरह से और सारे लोगों का उम्र बढ़ती जाए। हाँ, बड़े बुजुर्ग जो है हमारे हम आशीर्वाद देते रहे, और तब क्या करते जब लगाते हैं कान के पीछे लगाते हैं तो वो बड़े जो है सब बच्चों को त्योहारी देते हैं। तो एक परंपरा है और बनारस का ये त्यौहार मनाने का एक वो है। और आपने जो कहा कि जलेबा और दाना, तो ये कजरी जो उत्सव है, ज़्यादातर उत्सव जो वो आम लोगों का उत्सव है, उसमें कोई धनी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, तो इतना बड़ा सा अगर जलेबा मिल जाए तो 10 महिलाएं बैठ के कजरी भी गा ले, मुँह मीठा भी कर ले, दाना भी खा ले, और हमारा त्यौहार भी मन जाए। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक परंपरा है जिसमें कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब एक ग्रुप में बैठते हैं तो उसमें कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा कौन बड़ा है, ये सब नहीं देखा जाता है। और एक बड़ा सा जलेबा होता है जो सभी लोग मिलकर उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इससे एक समानता का एक संदेश जाता है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा पीढ़ी है बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है, तो जो हमारी कजरी की परंपरा है या फिर जो और भी पारंपरिक चीज़ें हैं, गायन है, शास्त्रीय संगीत है, तो युवा वर्ग जो है क्या उससे दूर जा रहा है या फिर सामंजस्य से बैठा पा रहा है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तब से ईस्टर्न और वेस्टर्न में कोई फ़र्क नहीं रहा गया। तो पहले तो हम लोग जानते नहीं थे कि विदेश में क्या हो रहा था, तो विदेश का कुछ भी चीज़ होता था तो फिर लगता था कि अरे विदेशी चीज़ है और ये है विदेशी मतलब गाना है, वेस्टर्न सॉन्ग है। तो ग्लोबलाइजेशन से ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के गीत और यहाँ का गाने का और हमारे शास्त्रीय संगीत और देशी संगीत का जो गीत है वो दोनों में फ़र्क बच्चों को समझ में आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है। और इससे मैं देखिए परिवर्तनशील दुनिया है, हम लोग भी परिवर्तित हो चुके हैं, बहुत सारे चीज़ हम लोग परिवर्तन आया है, जैसे पहले साइकिल से जाते थे, अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हर चीज़ अगर परिवर्तन हो रहा है तो होने दीजिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि एक चैनदारी गाना है जो भारतवर्ष का है, और वहाँ का जो गाना है
वो चंदनी नहीं है उसमें, इसीलिए हर साल कितने सैलानी आते हैं और बनारस में भी, ख़ासतौर पर बनारस में, बनारस के संगीत सीखने के लिए मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं और सबके पास ही जाते होंगे जिन लोग गाना सिखाते हैं यहाँ पर, संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सब संगीत को जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी को भी सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, इसमें मिठास है, इसमें मर्म छुपा हुआ है जो गीत के माध्यम से बाहर आता है, लोगों में समानता का भाव देता है। यही वजह है कि ये परंपरा कई सौ साल पुरानी है और आज भी हमारे इस शो में जो भी बातें हैं आप कहना चाहते हैं या जो भी आपके डिमांड्स हैं वो कमेंट में जरूर दें। और श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी गायक हैं, तो इनके लिए जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर दें और आगे हम आपको इनसे कजरी के कई गीत सुनाएंगे। अवधि मिर्जापुरी और बहुत आभारी हूँ रिपोर्टर पेज के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कजरी का जो सही माने में जो इसका मीनिंग है, इसका जो कहाँ से उत्पत्ति हुई है और कजरी के समय हम लोग क्या करते हैं, अब बनारस के लोग कैसे कर क्या कैसे कजरी मनाते हैं, ये जो चीज़ उन्होंने आप श्रोताओं के लिए सामने रखा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि श्रोता लोग, आप लोग ज़रूर सुने और कजरी के बारे में इससे अवगत हो। कजरी मिर्जापुर का, कजरी बनारस का, कजरी अवध का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुधीर श्रोताओं को, दर्शकों को एक मिर्जापुरी कजरी सुना दूँ और एक अवध की कजरी सुना दूँ, उसके बाद एक बनारसी कजरी थोड़ा थोड़ा सुनाती हूँ। मथुरा जाइब से गिरधारी आवत देख सवन वाना, मथुरा जाइब से गिरधारी आवत देख सवन वाना, हो आवत देख सवन वाना, हो आवत देख सवन वाना, हो मथुरा जाइब से गिरधारी आवत देख सवन वाना। चारों ओर से बदरा घेरे आवत पपीहा पी पी तेरे, चारों ओर से बदरा घेरे आवत पपीहा पी पी तेरे, बिन वनवारी सुना लागे सखी मधुबन वाना, हो मथुरा जाइब से गिरधारी आवत देख सवन वाना। ये जो ना लगता है वो मिर्जापुर की कजरी है और अब अवध का एक कजरी सुनाती हूँ। ये हरी रे हरी लगता है। हरी हरी श्याम बिना ना भाई बदरिया कारी रे हरी, हरी हरी श्याम बिना ना भाई बदरिया कारी रे हरी, छाई घटा घन जोर सूझे नारैन अंधियारी रामा, छाई घटा घन घोर जोर सूझे नारैन अंधियारी रामा, अरे रामा बरखा, अरे रामा बरखा में तज गईले हमें बिहारी रे हरी, अरे रामा बरखा में तज गईले हमें बिहारी रे हरी, हरी हरी श्याम बिना ना भाई बदरिया कारी रे हरी। ये हुआ अवध का कजरी और इसके बाद एक बनारसी कजरी सुनाती हूँ।
सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे, सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे। बादल गरजी रामा बिजुरी चमके, बादल गरजी रामा बिजुरी चमके, बिजुरी चमके हाँ बिजुरी चमके, बादल गरजी रामा बिजुरी चमके, चुनर मोरा भीजे ला धीरे धीरे, चुनर मोरा भीजे, चुनर मोरा भीजे, चुनर मोरा भीजे ला धीरे धीरे, सावन झड़ी लागे ला धीरे धीरे। तो ऐसा तीनों जगह का कजरी हमने बताया आपको, इस तरह से गाते हैं। और बाकी तो कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया, कजरी खेलने की बात होती है। बदरिया घेरी आई ननदी, ननद हो जाई गई है, कजरी है। और एक कजरी मैं आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहीं भी जाते थे वो कजरी ज़रूर बजाते थे। तो मैं दो लाइन आपको सुनाती हूँ। बीरन भैया, बीरन भैया आइले अनवैया, वा सावन वा में ना जाई बिनन दी। बीरन भैया आइले अनवैया, वा सावन वा में ना जाई बिनन दी, ना जाई बिनन दी हो, ना जाई बिनन दी, ना जाई बिनन दी हो, ना जाई बिनन दी, सावन वा में, सावन वा में ना जाई बिनन दी। बीरन भैया आइले अनवैया, वा सावन वा में ना जाई बिनन दी। सुनवा के थारी में जेवना परसियो, सुनवा के थारी में जेवना परसियो, चाहे भैया जेवै चाहे जाए हो, सावन वा में ना जाई बिनन दी। बीरन भैया आइले अनवैया, वा सावन वा में ना जाई बिनन दी। ये जो गीत है कजरी गीत है, वो जो लड़की है वो कहती है कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं पीहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ससुराल में मेरी ननद है और ननद के साथ मैं खेलूंगी। तो वीरन भैया मतलब वीर जी होता है पंजाब में, और यहाँ पर वीरन भैया मतलब बड़े भाई, तो बड़े भाई लेने आता है। और ये लड़की कहती है कि नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी, और अलग अलग जैसे सोने के थाली में जेवना देती है, खाने को देती है, खा लीजिए चाहे जाइए लेकिन हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से भी लौंग इलायची का बिड़वा बनाए, तो चाहे भैया पूछे चाहे जाए हो, भैया पान खाए चाहे ना खाए, मैं तो नहीं जाऊँगी।